तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। एक लड़का हमारे में कट यूनार के सामने आ जाता है और आते कहते सुनो यार, तुम्हारे पास जो सोड यहाँ पर ना, वो सोड हमको चाहिए। हमारा में कट पूछता तुझे सोड से इतना प्यार है क्या? वो कहते यस, मरते दम तक नहीं रही है प्यार, सोड को लेकर खत्म यहाँ पे नहीं होगा क्या ना। मुझे जैसे उस फेंक के वाले मालूम चला वो यहाँ पर आया है, उसके पास कमाल का सोड है। मैंने सोचा रात में जाऊंगा, उसकी जान निकालूंगा, उसके सोड को अपना बना लूंगा। लेकिन क्या, मेरे जाने से पहले कोई और यहाँ पर आया और उसने उसकी जान यहाँ पर निकाल ली, उसका सोड भी उसने बर्बाद यहाँ पे कर दिया। तो मेरे हाथ में कुछ भी लगा नहीं, लेकिन मैंने देख लिया था तेरे सोड ने उसके सोड को तोड़ा, तो मुझे तुम्हारा सोड यहाँ पे पसंद आ गया, इसलिए मैं लेने के लिए आ गया। ये कहता यानी तुझे मालूम है कि फेंक की जान यहाँ पे निकली है? किसने फेंक की जान निकाली है, तुझे आइडिया है क्या? जो सुन दे, ये कहता मुझे कन्फर्म तो आइडिया नहीं है किसने फेंक की जान यहाँ पे निकाली है, लेकिन मैं आइडिया लगा सकता हूँ। पूरे दुनिया में ना तीन ही ऐसे बंदे हैं जो कि फेंक की जान यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये कहता कौन? वो कहता सबसे पहला वो जो है ना एक बुढ़ा, जिसको दुनिया के सबसे कमीना बुढ़ा माना जाता है, GTN जिसका यहाँ पे नाम है। हाँ, वो बंदा जो सॉर्ड यहाँ पे चलाता है ना, मानना पड़ेगा मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता, बस उसी बुढ़े से यहाँ पे डरता हूँ। इसको आइडिया भी नहीं जिस बुढ़े के बारे में बात करें ना, वो बुढ़ा सामने यहाँ पे खड़ा है। यूनार को भी जैसे जैसे हंसी आ रही थी, लेकिन हंसी कंट्रोल करती है और कहती है अगर तुझे सच्ची में उस बुढ़े से डर लगता है, तुझे यहाँ से दूर जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। वो कहता है कद्दू मेरा यहाँ पे भागेगा, मैंने कल रात तुम दोनों को नोटिस यहाँ पे किया। ये लड़की मानना पड़ेगा इतने कम उम्र में तो दीवान स्टेज पे जा चुकी हूँ। अब बुढ़े जी आप भी मुझे उतने कमजोर यहाँ पे लगते नहीं हो, लेकिन अब अभी बस कंडेंसिंग स्टेज पर गुड गुड चलेगा भी, बुढ़ा हो कितना भी होना बड़ी बात होती है। ये तो बकवास छोड़ो, और कौन बंदे जो कि जान से मार सकते हैं? ये कहता उस बुढ़े के ना 9 डिसाइपल है, 9 डिसाइपल में जो दूसरा डिसाइपल है ना वो भी बड़ा स्वॉर्ड चैंपियन यहाँ पर है, वो यहाँ पे मार सकता है। बुढ़ा कहता है गुड, तीसरा बंदा भी, तीसरा बंदा कौन है जो उसको जान से मार सकता है? ये लड़का कहता है तीसरा, अबे तीसरा तुम्हारे सामने खड़ा है, वो हूँ मैं। जो सुंदर ये कहता है तीसरा तेरे सामने खड़ा, यानी एक सेकंड तू अपने बारे में बात यहाँ पे कर रहा है क्या? एक सेकंड, चेन वेन नाम का एक बंदा यहाँ पे था, कमाल का स्वॉर्ड मास्टर तू है क्या? ये कहता मैं, अरे नहीं मैं चेन वेन यहाँ पे नहीं हूँ भाई, वो स्वॉर्ड का जो टेक्निक होता है ना वो टेक्निक से प्यार करता है और मैं स्वॉर्ड से यहाँ पे प्यार करता हूँ। समझा करो भाई, ऐसा बंदा जो कि स्वॉर्ड से प्यार करता है उसकी टेक्निक नहीं, कोई नाम याद आ रहा होगा, नाम याद आ रहा होगा। ये कहता हाँ जियांग नाम का भी एक बंदा यहाँ पे था, कहीं तू सची में वही तो नहीं ना? मैंने सुना है सची में बहुत ही ज्यादा प्यार करता है सॉर्ट से। ये कहता अरे हाँ वो थोड़ा बहुत प्यार कर लेता हूँ, बहुत खुश हो जाता अपनी तारीफ सुनकर। तो हमारे मेन कट्टा भी सोचता है यस, इस जियांग के बारे में मैंने सुना है, ऐसा लड़का है जिसके ऊपर किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जैसे मेरे पास मेरे डिसाइपल का मेरे सेठ का है, लेकिन इस पर किसी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। और ये बड़ी से बड़ी मुसीबत से बड़े कल्टिवेटर के हाथों से बच के बाहर निकलने की इसकी कमाल की खासियत है। इसकी दो पर्सनैलिटी है, सबसे पहले ये कि भाई सॉर्ट से बहुत ही प्यार करता है, सेकंड जो भी अननेसेसरी मुसीबत है ना उससे दूर यहाँ पे रहता है। और ये जो अननेसेसरी मुसीबत से दूर रहने की इसकी जो पर्सनैलिटी है ना, ये इसने इसको अब तक यहाँ पे बचा के रखा है, वरना कब की इसकी मौत हो जाती। वो तो भाई ऐसे खुश था और तभी अपना बुढ़ा ना सॉर्ट यहाँ पे निकाल लेता अपने वाला वो जीली जैसा, जो देखे सामने से ये लड़का जियांग वो भी खुश हो जाता है कि बल्ले बल्ले यही तो हमको यहाँ पे चाहिए था। बुढ़े जी दे दो यार, बदले में तुमको जो चाहिए हम सब दे देंगे। वो कहता यार तूने अगर इसके बारे में सोचा ना, तुझे चाहिए मैं नहीं देने वाला हूँ, तेरी जान यहाँ पे निकालूंगा, शांत बैठ जा। उतने में ना एल्टर, एल्टर मतलब समझो एक स्टेज को कहा जाता है जहाँ पे सेरेमनी और प्रोग्राम किया जाता है, जहाँ पे सेरेमनी भी मेन होने वाला था। तो उस एरिया से ना समझिए ये आता है भाई, क्या बोलते हैं घंटा बजने की आवाज आती है। हमारा मेकअप टाइम कन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि जो घंटा यहाँ पे था ना, घंटा जो बुद्धिज्म को सेट यहाँ पर होते हैं, जहाँ पे मॉन्क और गौतम बुद्ध का प्रार्थना किया जाता है और जहाँ बुद्धिज्म अपनाया जाता है वैसे कल्टिवेटर रहते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है इस सेरेमनी में रेटियस कल्टिवेटर और डेमोनिक कल्टिवेटर आने वाले थे, बुद्धिस्ट कल्टिवेटर भी आने वाले थे, इसका मुझे आइडिया यहाँ पे नहीं था। सामने से जो जियांग यहाँ पे था ना वो भी कहता है यस, एल्टर से घंटे की आवाज यहाँ पर आई क्योंकि एल्टर के पास ना ढेर सारे कल्टिवेटर, डेमोनिक कल्टिवेटर और बहुत सारे आरटीएस कल्टिवेटर भी इकट्ठा होने वाले। लेकिन मैं तुमसे कहूंगा कि वहाँ पे मत जाओ क्योंकि हर बार ना एक सेंटेंस को लाया जाता था और इस बार एक सेंटेंस यहाँ पर आएगी। मालूम है कैसे सेंटेंस यहाँ पे कौन है? वो जो कमीना बुड्ढा है ना, कमीना बुड्ढे के 5वां डिसाइपल, समझ जाओ यार। हाँ आजकल ना उस बुड्ढे का डिसाइपल लोग भी सेंटेंस यहाँ पे भरे, कितनी बुरी किस्मत यहाँ पर आ गई है। जो सुंदर यूनार को गुस्सा तो आता है लेकिन सामने से कुछ भी बोलते नहीं, ये लोग जा रहे थे। पीछे से जियांग ये भी कहता है यार फिर भी आप यहाँ पे जा रहे हो, जाओ जाओ यार जाओ, मैं तो दुआ यहाँ पे करूँगा कि गलती से ना आपकी जान यहाँ पे निकल जाए, जैसे आपकी जान निकलेगी ना तुम्हारे डेड बॉडी से ना अपनी सोड यहाँ पे चोरी करेगा, सोड चोरी करके निकल जाऊंगा, बाय बाय। इतना बोल के भाई सामने से बाय बाय कर रहा था। तो यूनार को इतना गुस्सा आता ना कि अपना पावर यहाँ पे एक्टिवेट करती है, एक अटैक करती है जिससे जियांग ना पीछे यहाँ पे ढगला आ जाता है। तो सामने से चिल्लाती भी कि भाई बहुत हो गया, तू अपनी औकात से ना बहुत ही ज्यादा बाहर जा रहा है। जो सुंदर जियांग कहता भाई जो भी मैंने बातें बोली वो सारी बातें सच में बोली, छोटी बच्ची कितनी गुस्से मूड वाली है, वो अटैक करने के लिए आगे आ जाती है, ये भी अटैक रोकने की पूरी कोशिश करता हूँ। कहता छोटी बच्ची मुझे मजबूर मत कर, वरना मैंने अपना सॉर्ड यहाँ पे निकाल लिया ना तुम्हारा अंजाम यहाँ पे बुरा होगा। हमारा मैं कट्टा सोचता भाई ये लड़का एक मामूली सा लड़का है जिसको सॉर्ड पसंद है,
कल्टिवेशन यहाँ पे पसंद है, हाँ तो इसके ऊपर मुझे अपना कार्ड वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, यू नार चलो यहाँ से। तो उसको वापस बुला लेता है और चुटकी यहाँ पे बजाता है। और हाँ, इस चुटकी बजाने से जो माउंट यहाँ पे था ना, इसका माउंट यहाँ पर आता है। जैसे माउंट आता ना, वो देख के ये लड़का जियांग हिल जाता है, क्योंकि छोटा मोटा माउंट होना भी बड़ी बात होती है। बड़े से बड़े बंदे के पास ना तो कोई माउंट ही नहीं होता। इनका माउंट मैं देख सकता हूँ, कोई लेजेंडरी माउंट हमको यहाँ पे लग रहा है। इतना लेजेंडरी माउंट ना लेजेंडरी बंदे के पास होता है। यानी ये बंदा भी सुपर क्रेजी है, मतलब सुपर स्ट्रॉन्ग है, सुपर बवाल होगा। हालांकि इसका पावर मुझे बस कंडेंसिंग लेवल पे दिखा रहा है। इसके पीछे आप दो रीजन हो सकता है। पहले रीजन ये पावर बड़ा हाई यहाँ पर है, लेकिन जानबूझ के ना पावर यहाँ पे कम शो कर रहा है। या फिर भले इसका पावर कंडेंसिंग लेवल पर होगा, लेकिन इसके पीछे के बंदे लोग, इसके सपोर्टर है ना, वो शायद बहुत ही बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होंगे। उसका सामने से कहते, सुनिए मैंने कहा था ना भाई एल्टर यहाँ पर डेंजर है। फिर से सेम बात यहाँ पर रिपीट करना चाहता हूँ, एल्टर यहाँ पर डेंजर है। अब सच्ची में वहाँ पर जाना चाहते हो? जो सुंदर बुड्ढा कहता है, यस सच्ची में जाना चाहता हूँ, मेरा अपना प्लान यहाँ पर है। इतना बोल के माउंट पे बैठ के यहाँ से निकल जाता है। ये लड़का सोचता भी मैं क्या करूँ, मैं भी पीछा यहाँ पे करूँ क्या? वो जो कमीना बुड्ढा यहाँ पर है GTN, उसके साथ मेरी मुलाकात हो जाएगी। तो अभी तक बेचारे को आइडिया लगा नहीं है कि यही बुड्ढा अपना GTN यहाँ पर है। एक काम करता हूँ, नहीं जाता, कोई भरोसा यहाँ पर नहीं है, जाऊँगा तो भी मर जाऊँगा। और मेरा काम ही है अननेसेसरी ट्रैवल, मुझे ट्रैवल मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये बुड्ढा जा रहा है, जा रहे दो, मरना है मरने दो भाई, अपने बाप का क्या जाता है। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता उसी एरिया में, जिस एरिया में बुद्धिज्म का घंटा ना बज जा रहा है। और ढेर सारे जो मॉन्क यहाँ पे थे ना, वो मॉन्क के ना सामने से कुछ कमाल का एक मंत्र वंत्र यहाँ पे बोले जा रहे थे। नॉट रियली मंत्र नहीं बोल रहे थे, मतलब अपना कुछ ज्ञान यहाँ पे दिए जा रहे थे। ये कह दो कि भाई देखो, पढ़ने लिखने से ना तुमको आज़ादी मिलेगी, तुमको ज्ञान यहाँ पे मिलेगा, लेकिन जो सच्चा सुख और चैन है ना, वो तुमको यहाँ पे नहीं मिलेगा। जैसे कि भाई प्रोस्टिट्यूट यहाँ पे ले लो, उनका काम क्या होता है, वो सुबह उठती है, तैयार होती है ताकि उनको ज़्यादा कस्टमर मिले और ज़्यादा मर्दों के साथ सो सके। हाँ, ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया था, और ढेर सारे ऐसे और एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं। उतने में हमारा मेकअप यूनारो लोग यहाँ पर आते हैं, और हमारा मेकअप बताता है कि ये जो सारा काम वो कर ना, एक टाइप की टेक्निक यहाँ पर है, जिस टेक्निक को ना अल्टीमेट बुद्धिज्म क्या मेडिटेशन कहा जाता है। सामने से यूनार कहते हैं, लेकिन ये मॉन्क लोग यहाँ पे क्या करने आए? हमारा मेकअप सोचता है कि सबसे पहली बात, वो जो टेक्निक ये कर रहे, जिसे भाषण दिए जा रहे, इससे बंदे लोग का जो माइंड ना एकदम शांत होता है, पीस में यहाँ पे जाता है। यानी सबको ये हल्का फुल्का शांत रिलैक्स करना चाहते हैं क्या? चलो देखते भाई आगे क्या होता है। फिर हमारा मेकअप यूनार से कहते, काम करो, शांत हो जाओ, आराम से जो मेडिटेशन है ना भाई, वो लोग जो बोरे वो सुनो, ये सुनने का जो मौका ना लगभग ना के बराबर यहाँ पे मिलता है। तो वो भी सुनने लग जाती है। हमारा मैं कट्टा सोचता है कि हाँ, ये सुनने से सच्ची में बंदलों का माइंड यहाँ पर रिलैक्स होता है और शांति पोजीशन में जाता है। जिस चक्कर में तुम्हारा कल्टिवेशन करने का पावर स्पीड है ना, वो भी काफ़ी इंक्रीज होता है। और जो कार्ड का डेक मैं करूँगा ना, वो भी ज़्यादा कर मेरे यहाँ पे काम आएगा। लेकिन एक बात मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, ये मॉन्क लोग यहाँ पे करने के आए, मॉन्क लोग का जो सेट है ना, वो सेट का नाम है हेवन टेम्पल। और जहाँ तक मुझे मालूम है, दुनिया में रेटियस कल्टिवेटर कुछ भी काम करे, डेमोनिक कल्टिवेटर कुछ भी काम करे, ये लोग ना कभी भी आकर उंगली यहाँ पे नहीं करते। लेकिन इस वाले ना आ चुके हैं। आई डोंट नो काई को, जो कुछ है आगे ही मालूम चलेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।